Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Once again, we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Shalom to each one. हर एक को शांति मिले. Today we are going to talk about forgiveness. आज हम माफी के बारे में बात करने जा रहे हैं. Why God give forgiveness? परमेश्वर माफी क्यों देता है? There are seven reasons God want people be forgive. ऐसे सात कारण है कि जो परमेश्वर चाहता है लोगों के लिए कि उनको माफी मिले. God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है. Psalm 86 and verse 5 says. वचन संहिता उसका 86वां अध्याय और 5वां वचन कहता है. Oh God, for you are good and ready to forgive. कि हे परमेश्वर यहोवा तू भला है और क्षमा करने वाला है. And plenteous in mercy to all them that call on you. और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है. So God forgive because of his good nature. तो परमेश्वर इसीलिए माफी देता है क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है, भला है. In Nehemiah 9 chapter 17 it says. नहेम्याह की किताब 9वां अध्याय 17वां वचन कहता है. But you are forgiving God. You are of God who forgive. कि तू तो माफी देने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है. And gracious God. और कृपालु परमेश्वर है. कंपेंसेट गॉड. और दया कर, करुणामय दया करने वाला परमेश्वर. स्लो टू एंगर. और क्रोध करने में धीरा है. एंड रिच टू लविंग डिवोशन. और तूने और अति करुणामय है. एंड यू डिड नॉट फॉरगिव देम फॉरसेक देम. और तूने उनको त्यागा नहीं. सो गॉड डोंट वांट टू forget his people or forsake his people. तो परमेश्वर उनके लोगों को भूलना भी नहीं चाहते और त्यागना भी नहीं चाहते. For he loves the his people. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है. He don't want to forsake them, so he forgive them, tolerate. और परमेश्वर अपने लोगों को त्याग देना नहीं चाहता, इसीलिए उनको सह लेता है और माफी देता है. Why people don't divorce? लोग छुटा छेड़ा तलाक क्यों नहीं देते? Because they love the person. क्योंकि वे उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं. They love the person so they forgive them. उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं पति पत्नी, इसीलिए उनको माफी देकर बने रहते हैं. Praise God. परमेश्वर का महिमा. So God forgive the people. तो परमेश्वर लोगों को माफी देता है. Because he love the people. क्योंकि वह लोगों से प्रेम करता है. He is a good God. वह भला परमेश्वर है. And so he is ready to forgive every time. इसीलिए हर बार माफी देने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है. Second thing. दूसरी बात. Why God forgive the people? परमेश्वर लोगों को माफी क्यों देता है? In Psalm 130 and verse 4 it says. वचन संहिता 130वां अध्याय और 4वां वचन कहता है. But with you God there is forgiveness. So that the people may be, they fear you. परंतु हे परमेश्वर तेरे पास क्षमा है जिससे लोग तेरा भय माने. God forgives so that people they keep respect of him. परमेश्वर माफी देता है ताकि लोग परमेश्वर का आदर रखे, भय रखे. They fear the God, so God forgive them. और लोग परमेश्वर का भय रखे, इसीलिए परमेश्वर लोगों को माफी देता है. That's right. परमेश्वर का महिमा. Third thing, why God forgive? तीसरी बात, परमेश्वर माफी क्यों देता है? God forgive the people so that the people they turn to the right way. परमेश्वर लोगों को इसीलिए माफी देता है ताकि लोग सही मार्ग पर मन फिराए. God give them a new chance. परमेश्वर उनको नया मौका देता है. Second Chronicles 6 chapter verse 27 and the same verse it is written in First King 3 chapter verse 36. दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय 27वां वचन और यही वचन लिखा गया है. First King 6:8 chapter verse 38. पहले राजा की किताब 8वां अध्याय उसके 36वें वचन में. It says. यहाँ पर ऐसा कहा गया. May you hear from heaven and forgive the sin of your servants. तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों के पाप की क्षमा करना. And your people Israel. और अपनी प्रजा इज़राइल. So that they may teach them the way, good way in which they should walk. कि अपनी प्रजा इज़राइल को भी माफ करना ताकि तू जो उनको यह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए. God want the people they walk in the good way. परमेश्वर चाहता है कि लोग भले मार्ग पर चले. God love to teach his people so he forgive the people. परमेश्वर लोगों को सिखाना पसंद करता है और इसीलिए अपने लोगों को माफी देता God है. God forgive the people so that people be they fear him.
परमेश्वर लोगों को माफी देता है ताकि लोग परमेश्वर से डरे, उसका भय रखे। God forgive because he's good God. परमेश्वर इसीलिए माफी देता है क्योंकि वह भला परमेश्वर है। Fourth reason why God forgive. परमेश्वर क्यों माफी देता है, उसका चौथा कारण। Luke 7:47. लुका का सुसमाचार सातवां अध्याय उसका 47वां अध्याय। Once Jesus went as a Pharisee Simon home. एक बार यीशु मसीह सिमोन फरोसी के घर गए। And there he was invited for lunch. और वहां पर यीशु को दोपहर के भोजन के लिए बुलाया गया। And there was a woman, there also one woman came in. और वहां पर एक औरत भी अंदर आई। She was sinner. वह स्त्री पापी थी। She started kissing Jesus' feet. और वह स्त्री ने यीशु के पैरों को चूमना शुरू किया। And she started crying even. और उसने रोना भी शुरू किया। And Jesus said to Simon, तब यीशु ने सिमोन से कहा, Do you know why she is crying? क्या तुझे पता है कि यह स्त्री क्यों रो रही है? Why she is loving me so much? यह औरत मुझे इतना प्रेम क्यों कर रही है, तुझे पता है? Because her sins have been, I forgive her sin for she want forgiveness. क्योंकि वह माफी पाना चाहती है और मैं उसे माफ करना माफ करूं इसीलिए। And your Jesus gave a parable even. और यहाँ पर यीशु ने एक दृष्टांत भी कहा। And said, Simon, I came to your house, but you didn't welcome me by kissing. और कहा कि सिमोन तूने मुझे तेरे घर बुलाया लेकिन मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे चुंबन नहीं किया। Also, you didn't pour all upon me. और तूने मुझ पर तेल भी नहीं उंडेला। But look this woman. लेकिन इस औरत को देख। I tell you, her sin are many. मैं तुझे कहता हूँ कि उसके पाप तो बहुत है। That I've been forgiven. और वे सारे माफ किए गए हैं। And so she is fell in love with me. इसीलिए वह मेरे प्रेम में पड़ी है। She has loved much. उसने ज्यादा प्रेम किया है। Sin are forgiven much. जिसके ज्यादा पाप माफ किए गए वह ज्यादा प्रेम करता है। So God forgives the people so that people love, fall in love with him. तो परमेश्वर लोगों को माफी देता है ताकि लोग परमेश्वर के प्रेम में पड़े। Fifth reason. पांचवा कारण। Why God forgive the people? परमेश्वर लोगों को माफी क्यों देता है? Second chapter verse 7. मरकुस का सुसमाचार दूसरा अध्याय सातवां वचन। There was a man paralyzed and the people were brought to Jesus. एक पक्षघाती व्यक्ति था और दूसरे लोग उसे यीशु के पास लेकर आए। And Jesus said, my dear son, your sins are forgiven. और यीशु ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पापों की माफी मिली है। And people, they said, this is a blasphemy. और यह सुनकर लोगों ने कहा कि यह तो दुर्भाषण कर रहा है। How can you, man, forgive? You have authority to forgive this man. तू मनुष्य है और तेरे पास अधिकार कैसे हो सकता है लोगों को माफी देने का? Only God can forgive people. केवल परमेश्वर लोगों को माफी दे सकता है। In Luke 5:23. लुका का सुसमाचार पांचवा अध्याय उसका 23वां वचन। Jesus said, people, you are a blessed one. यीशु ने कहा कि हे लोगों, तुम्हें धन्य है। For son of man has authority to forgive the people's sin. क्योंकि मनुष्य के पुत्र के पास अधिकार है लोगों के पापों को माफ करने का भी। So God forgive the people. तो परमेश्वर लोगों को माफी देता है। Because he has authority to forgive. क्योंकि उसके पास अधिकार है माफी देने का। He can punish and he can forgive. वह सजा भी दे सकता है और वह माफी भी दे सकता है। We come to know for that reason he forgive the people. हम उसे जान ले और इसीलिए यह कारण की वजह से वह लोगों को माफी देता है। He forgive. To make us remember that he can punish even. वह हमें इसीलिए माफी देता है ताकि माफी देकर यह याद दिलाता है कि वह सजा भी कर सकता है। And he have authority to forgive the people. और उसके पास लोगों को माफी देने का अधिकार भी है। Many people might think, why I need forgiveness? बहुत लोग शायद ऐसा सोचेंगे कि मुझे माफी की क्या जरूरत है? Because you don't know that he is the one, God is the one who can even punish you. क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता है कि वही परमेश्वर है जो तुम्हें सजा भी दे सकता है। गुड गॉड, वह भला परमेश्वर है। Want that people know that I want people be forgiven. वह चाहता है कि लोग ऐसा जान ले कि परमेश्वर उन्हें माफी देना चाहता है। And so he gave authority to human being that you can speak for pardon. और इसीलिए उसने लोगों को भी यह अधिकार दिया कि तुम लोग जाकर दूसरे लोगों के पापों की मध्यस्थी करो, माफी दो उनको। Sixth reason. छठा कारण। Why God forgive? परमेश्वर माफी क्यों देता है? Acts 26 chapter verse 18. प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 18वां वचन। Paul was chosen for the ministry. पौलुस को सेवकाई के लिए पसंद किया गया। And Jesus said,
और यीशु ने कहा, I have appointed you as a servant. मैंने तुझे सेवक बनाकर नियुक्त किया है. And you go and open the eyes of the blind. ताकि तू जाकर अंधों की आंखें खोले. So that they be turned to darkness. They turn from darkness to light. ताकि वे अंधकार से प्रकाश की ओर फिरे. They turn from the power of Satan to God. और वे शैतान के अधिकार से सामर्थ्य से छुटकर परमेश्वर की ओर फिरे. And they receive forgiveness anyhow. और कुछ भी करके उनको पापों की माफी मिले. And I sanctify them and I bring them to the people of the faith. और मैं उन्हें पवित्र करूं और विश्वास के लोगों के साथ जोड़ दूं. They be even in they inherit with the saint. और संतों के साथ उनको भी विरासत मिले. So God forgive the people so that they can be again add to the holy family. तो परमेश्वर लोगों को इसीलिए माफी देता है ताकि लोगों को पवित्र परिवार के साथ फिर से जोड़ा जाए. God forgive them so that they can come to the church where the people, God people are. परमेश्वर लोगों को माफी देता है ताकि वह लोग कलीसिया में मंडली में आए जहां परमेश्वर के लोग आराधना करते हैं. God forgive the people so that they can again add to the joint to the family. परमेश्वर लोगों को माफी देता है ताकि फिर से वह लोग परिवार के साथ आकर जुड़ जाए. परमेश्वर प्रभु का महिमा हो. My God forgive. परमेश्वर क्यों माफी देता है? Seventh reason. सातवां कारण. Jeremiah 31 chapter and 31 verse. यर्मिया की किताब सातवां अध्याय उसका 31 verse. 31वां वचन. God forgive because he has already promised and has prophesied. 31वां अध्याय 31वां वचन. God has already prophesied that I'm going to make a new covenant with the people. परमेश्वर ने पहले से यह भविष्यवाणी की कि लोगों के साथ मैं नई वाचा बांधूंगा, नया नियम बनाऊंगा. He has taken a vow that I'm going to forgive the people. उसने शपथ खाई कि मैं लोगों को माफी दूंगा. I'm going to shed my blood and forgive the people. मैं मेरा लहू बहाकर लोगों को माफ करूंगा. Without shedding blood, there is no forgiveness. Hebrew 9:22. लहू बहाए बिना माफी नहीं मिलती. इब्रानियों का पत्र 9वां अध्याय 22वां वचन ऐसा कहता है. God forgive the people. परमेश्वर लोगों को माफी देता है. Because he has promised his people. क्योंकि उसने अपने लोगों को यह वचन दिया है. प्रभु का महिमा हो. हालेलुया. यहोवा का महिमा हो. These are the seven reasons why God forgive the people. तो यह सात कारण है कि परमेश्वर लोगों को माफी क्यों देते हैं. He has promised I'm going to forgive you. उसने वचन दिया है कि मैं तुम्हें माफी दूंगा. He want the people be part of his family. और परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके परिवार के साथ जुड़ जाए, सहभागी बने. God want the people fear him. परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर का भय रखे. God want the people turn to him. और परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर की ओर फिरे. God want the people to know God is good God. और परमेश्वर यह चाहता है कि लोगों को यह पता चले कि वह परमेश्वर भला परमेश्वर है. God know people know that why God forgive. So people know that God have authority to forgive and to punish. परमेश्वर माफी देता है ताकि लोगों को यह पता चले कि परमेश्वर के पास माफी देने का अधिकार है और सजा देने का भी अधिकार है. When he forgive the people, जब वह लोगों को माफ करता है, people start fall in love with him. तब लोग उसके प्रेम में पड़ने लगते हैं. So he forgive the people. इसीलिए वह लोगों को माफी देता है. He give chance to people so that they can return and start a new life. वह लोगों को मौका देता है ताकि लोग मन फिराए, मुड़े और नए जीवन की शुरुआत कर सके. Amen. Amen. So these are the reasons, seven reasons why God forgive the people. तो यह सात कारण है कि परमेश्वर लोगों को माफी क्यों देते हैं. And those who are forgiven, और जो लोग माफी पाए हुए हैं, whose transgressions are forgiven, जिनके गुनाह माफ किए गए हैं, पाप माफ किए गए हैं, and whose sins are covered, और जिनके पापों को ढांपा गया है, they are blessed people. वे धन्य लोग हैं. So we can say, इसलिए हम कह सकते हैं, I am a blessed one, कि मैं धन्य व्यक्ति हूँ. For God has forgiven my sin, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पापों को माफ किया है. Psalm 32 and verse 1. भजन संहिता का 32वां अध्याय पहला वचन. Blessed is the man, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, whose transgressions are forgiven, जिसके अपराध, जिसके पापों को माफ किया गया है, sins are covered, और जिसके पापों को ढांपा गया है. Lord, परमेश्वर Lord, का महिमा हो. So these are the reason God have to forgive the people. तो ये कारण है सारे कि इसीलिए परमेश्वर लोगों को माफी देता है. Amen. Amen. Praise God. प्रभु का महिमा हो. There are more seven reason. और सात कारण है. How can one person receive forgiveness? कि एक व्यक्ति पापों की माफी कैसे पा सकता है? We will study next time. अगली बार इसके बारे में हम अभ्यास. Hallelujah. यहोवा का महिमा हो. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो. परमेश्वर आप सबको. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. Father, thank you.
पिता आपका धन्यवाद। In Jesus name we humble ourselves once again, bow ourselves। यीशु के नाम में हम अपने आप को नम्र करते हैं, फिर से एक बार हम अपने आप को झुकाते हैं। Through Jesus Christ we found you are good God। यीशु मसीह के द्वारा हमें यह पता चला कि आप भले परमेश्वर हो। Through Jesus Christ we came to know that you had planned to forgive our sin। यीशु मसीह के द्वारा हमने यह जाना कि पिता आपने हमें हमारे लिए योजना बनाई, हमारे पापों को माफ करने के लिए योजना बनाई। Yes guys, we thank you for your shed your blood। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने आपका लहू बहाया हमारे लिए। Your blood we are been forgiven। आपके लहू की वजह से द्वारा हमारे पापों की माफी मिली है। And we say thank you। और इसीलिए हम आपका आभार मानते हैं। We thank you Lord। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका आभार। For forgiving our sin। हमारे पापों को माफ करने के लिए। You are good God। आप भले परमेश्वर हो। You have kept your promise। आपने आपकी प्रतिज्ञाओं को, वचनों को पाला है, आपके वचनों को आप मानकर आपके वचनों में आप विश्वास योग्य रहे हो। We thank you। हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for opening our eyes। हमारी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for sharing your word। आपके वचन हमें बताने के लिए आपका धन्यवाद। For opening your heart to us। आपका हृदय खोलकर हमें बताने के लिए आपका धन्यवाद। We thank you Jesus Christ। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। We love you Jesus Christ। यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। Father we love you। पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you Holy Spirit। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। For your word। आपके वचन के लिए। For the truth। सत्य के लिए। For the revelation। और ये ज्ञान के लिए। Whatever we have been sown to the people। हमने लोगों के बीच में लोगों के लिए जो बोया है। All who are listening, watching। और जो जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। Bless them। उनको आशीष दो। Once again we thank you for we have been forgiven। फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें माफी मिली है। You are good God। आप भले परमेश्वर हो। We love you। हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you Jesus Christ। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। Amen। Amen। Let's continue pray what Lord taught। आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करते हैं। Our Father who art in heaven। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो। Hallowed be thy name। आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come। आपका राज्य आए। Thy will be done। आपकी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let it on earth। जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। And forgive our debts। और हमारे अपराधों को माफ करो। As we forgive all our debtors। जैसे हमने हमारे सारे अपराधों को माफ किया। Lead us not into temptation। और हमें परीक्षा में ना ले जाओ। But deliver us from all evil। लेकिन हर बुराई से हमें छुड़ाओ। Thine's kingdom। क्योंकि राज्य आपका है। पराक्रम आपका है। That is glory। महिमा आपका है। For our Father, you are our God। सदा के लिए पिता हमारे परमेश्वर हो। In Jesus name। यीशु के नाम में। Let's shout amen। आइए चिल्ला कर कहें आमीन। Praise Lord। प्रभु का महिमा हो। Amen। God bless you all। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise Lord। Thank you। Praise God।